ये कहता है 0.5 kg बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो खुद उसका जो मास 0.5 kg है और वो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड एट एंगल 30 डिग्री विथ वॉल। ध्यान रखना वॉल से एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अगर एक ये मेरा बोर्ड जो है वो वॉल है तो एक बॉल ऐसे आया तो वॉल से 30 डिग्री है ये, अगर बॉल ऐसे आया वॉल से कोलाइड किया तो ये एंगल 30 डिग्री है वॉल से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किए हो और रिफ्लेक्ट करता है सेम स्पीड सेम एंगल से, मतलब कोलिजन इलास्टिकली है, कोई भी एनर्जी कहीं भी बर्बाद नहीं हुई है, ठीक है। इफ द बॉल इज कॉन्टैक्ट विद, देखो अब बॉल जो है वो वॉल के कॉन्टैक्ट में भी था 0.25 सेकेंड तक, द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाई द वॉल। समझना इस डायग्राम से मैं इसको समझाता हूँ, ये वॉल है, ठीक है, अगर ये वर्टिकल वाली लाइन है, एक बॉल यहाँ से आता है और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोलिजन करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वॉल से एंगल ध्यान रखना 30 डिग्री है। अगर ये भी स्पीड से कोलिजन किया है तो उतना ही स्पीड से वापस जा रहा है भी से, क्योंकि ये भी एंगल 30 डिग्री है ऐसा बताया जा रहा है। और कुछ टाइम यहाँ बिताया है बॉल ग्राउंड के साथ, कुछ वक्त बिताया है, कुछ टाइम बिताया है, वो 2.5 सेकेंड है, ठीक है। आ रहा समझ में, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? नहीं, देखो जैसे मान लो बॉल गिरा, मतलब मान लो छत है, छत से एक बच्चा, मान लो कोई बच्चा कूदता है, ठीक है, कोई बच्चा छत से कूदता है, नज़दीक है छत, तो वो बच्चा क्या होगा कि तुरंत उठ के जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो उसी छत से एक बहुत मोटा आदमी कूद गया, गिर गया छत से मोटा आदमी, और वो जो मोटा आदमी है बहुत टाइम तक ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहेगा, उसको उठने में टाइम लगेगा, तो यहाँ आपको टाइम दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा है उसके साथ भी ग्राउंड का कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये जो बॉल है वो चिपकने वाला बॉल हो, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से आता और इसके साथ चिपक जाता तो इसके साथ हमेशा टाइम ही बिताता, लेकिन इसका और इसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है बहुत कम टाइम के लिए 0.25 सेकेंड तक, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में इतने टाइम तक थे, ठीक है। चलो तो अब हमको पता है कि क्या निकालना है, फोर्स, एवरेज फोर्स। तो वॉल जो है, वॉल बॉल पे कितना फोर्स लगाएगा, वॉल जितना बॉल पे लगाएगा बॉल उस पे उतना मैग्नीट्यूड पे लगाएगा, ठीक है। तो हम फोर्स निकालना, तो फोर्स कैसे निकालते हैं ऐसे केस में, फोर्स कैसे निकालते हैं, तो जब कभी भी मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स आएगा यार, ठीक है। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो फोर्स होता है, अगर नॉन जीरो है चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स तो आएगा, तो मोमेंटम बदल गया ना भाई, वेक्टर इधर से आया मोमेंटम, इधर चली गई मोमेंटम, तो मोमेंटम बदल गया, तो मोमेंटम बदल गया होगा तो फोर्स आ गया होगा, और फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम निकालना है और टाइम 2.5 सेकंड मेंशन है, तो हमें निकाल लेते हैं भाई चेंज इन मोमेंटम। ऐसे केस में आपको मोमेंटम निकालने आता होगा, ये 30 है तो ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये जो बोला स्पीड वी है तो इधर मोमेंटम एम वी हो गया और इधर मोमेंटम एम वी हो गया, तो इधर इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो गए, एक नीचे हो गया जो हो गया एम बी कॉस 60 और एक ऊपर इधर आ गया जो हो गया एम बी साइन 60। क्लियर है? तो ये अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो मोमेंटम इधर था, मैं उसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये जो मोमेंटम इधर था उस मोमेंटम का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा एम बी कॉस 60 और एक इधर आ जाएगा जो होगा एम बी साइन 60। अब अगर ध्यान से देखोगे आपको, वैसे जिसको याद है मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये बार बार यूज होता है, तो अगर 60 डिग्री है तो चेंज इन मोमेंटम 2 एम बी कॉस थीटा होता है, याद कर लो। जो यहाँ से ऐसे आया एक कंपोनेंट एम बी साइन थीटा ऐसे है कोलिजन से पहले, और एक कंपोनेंट मोमेंटम का नीचे है, जो ऐसे गया उसका एक कंपोनेंट इधर है और एक इधर है, तो एक्स एक्सिस में कोई मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ यार, एक्स एक्सिस में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद भी मोमेंटम सेम है, मतलब एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है, तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स आएगा ही नहीं, जो भी फोर्स आएगा वो वाई एक्सिस में आएगा। चलो तो वाई चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है बोलो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन से पहले
फाइनल मोमेंटम एम बी कॉस 60 ऊपर है, वेक्टर में एक बार लिख देता हूँ एम बी कॉस 60 जे का, जिसे आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस साइन फार्मूले से, और इनिशियल मोमेंटम माइनस एम बी कॉस 60 जे कैप, ठीक है, कॉस 60 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 2 एम बी कॉस 60 जे कैप। जो चेंज इन मोमेंटम आया, देख रहे हो चेंज इन मोमेंटम वो पॉजिटिव आया, और वो चेंज इन मोमेंटम वाई एक्सिस में है, और फोर्स भी वाई एक्सिस में है यहाँ पर, ठीक है। और वो मैग्नीट्यूड में कितना है, अब यहाँ पर ला कर रख दो, मैग्नीट्यूड में कितना है फोर्स, तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा यार 2 एम बी कॉस 60 और डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, देखो कितना आता है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 24 न्यूटन आया है, कैलकुलेट कर लो एक बार, 2 मास दिया होगा, 0.5 केजी एंगल 30 डिग्री और 0.2 सेकेंड बॉल मास मूविंग विद स्पीड 12 है, तो 0.5 0.5 12, तो यह आ जाएगा पॉइंट, कर लोगे ना इसको यार, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 और डिवाइडेड बाई 0.24, इसको कैलकुलेट 0.25 25, इसको कैलकुलेट कर लेना, 24 न्यूटन आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू 24 न्यूटन, कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन, 24 न्यूटन, सी ऑप्शन सही है।